हिरण्यों को समदर्शी से हुए ब्रह्मज्ञानी, और जिसने वेद विचारिया, और वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखन लगे सारा रे। मेरे समदर्शी से हुए ब्रह्मज्ञानी, और जिसने वेद विचारिया, वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखन लगे सारा। वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखन लगे सारा। ₹201 मौलावास फीडर से पावर हाउस से प्रदान होते हैं, बार बार हम धन्यवाद करते हैं भाई का, बार बार धन्यवाद, क्या बात, बहुत अच्छे। सजनों कलयुग की क्या दास्तान है, क्या बताए, क्या जिस कलयुग की सच्चाई है। एक माँ बाप अपने बेटे, चाहे कितने बेटे हो, 9, 10, 11, 12 उनका पेट भर सकता है, लेकिन आज औलाद अपने माँ बाप का पेट नहीं भर सकती। पहली कड़ी में कवि ने बताया सजनों, हिरण्यो बेटे हो, हिरण्यो बेटे हो, एक बाप के ना पेट भरने पावे करे, फिर पीर मर्द रह हो न्यारे न्यारे, ईसा बखतियो आवेगा, फिर घर घर में पंचायती हो जा, वो कुण किसने समझावेगा, फिर मनुष्य मात्र का अकर्म छोड़ नर धन जोड़िया जावेगा रे, ओ मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ नर फिर बांध रकम ने होकर के मर जा, ये हमारे भाई साहब बड़ा आशीर्वाद रहता है, इनका बड़ा सहयोग रहता है। हमारे भाई राजू चौधरी पहले भी दे चुके, 1000 रुपए से रागिनी के सम्मान करते हैं, जोरदार ताड़ी, भाई का बड़ा बड़ा आभार करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। कवि ने बताया कि आज इस कलयुग के अंदर दुनिया को बस धन चाहिए, चीज के लिए इंसान को इंसान का कत्ल करना पड़े, ये सच्ची बात है। कवि ने दूसरी कली के अंदर धन के बारे में बताया सजनों, लिखा भाई धन के कारण, फिर धन के कारण वो धर्म घटे जा, अब पाप की जीत रहेगी, फिर खान पान पहरान बदल जा, ना कुल की रीत रहेगी, फिर दो दिन की हो यारी रह जा, ना सच्ची प्रीत रहेगी, फिर भाण भाई के हो चले मुकदमे, हो बिगड़ी नीत रहेगी रे, भाण भाई के चले मुकदमे, उल्टी रीत रहेगी, और पीर नौकरी हो करिया करेगी, पीर लिखन लगे सारा, ये वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखन लगे सारा।
तीसरी कली ने बताया सजनों, इस कलयुग के प्रकोप से कोई नहीं बच पाएगा। क्या बताया कवि ने, भाई चोकर दे हाँ फिर चोकर दे प्रकाश कलू का न बच्चा घर पवे करे, फिर मांस मदिरा का खाना हो जा न घिर दे हरी पवे करे, फिर कऊ लोप हो जा दुनिया तें न टोया जरे पवे करे, और वेद शास्त्र जाननिया कोए बिरला ही नर पावे का, वेद शास्त्र जाननिया कोए बिरला ही नर पावे का, यज्ञ हवन पुन दान छूट जा, यज्ञ हवन पुन दान छूट जा, यर वस्तु जा की पारा वेद का थी कलू खान का हाल लिखन लगे सारा, कलू काल का हाल लिखन लगे सारा। आखिरी कली में कवि ने क्या लिखा सजनों सुनने की बात, श्री लक्ष्मी चंद सतरापन घट जा और तहां का राज होगा, की जड़े हिर अपने मंत्री हो नीचा का सिर ताज होगा, अधर्म सचब चले कचेड़ी अधर्म पे अंदाज हो जा, और भाई न भाई इको न्या चावे इसका कौन इलाज होगा, भाई न भाई को न्या चावे इसका कौन इलाज होगा, ये पीरू काड़े हो सिर हांडेगी, ये पीरू काड़े वेद विचारा, वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखन लगे सारा रे, वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखन लगे सारा रे।